हेलो एवरीवन वेलकम टू टू दिस दिस इज इज रीजनिंग थर्ड पार्ट ऑफ द द वीडियो इन वी आर गोइंग डिस्कस टॉपिक कैलेंडर कोई भी एग्जाम जो एसएससी करवाती है या जो अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम में ये टॉपिक आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट वन और पार्ट टू देख के आप आए हो या फिर ना देख के आए हो इस पर्टिकुलर पार्ट को देखने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी पूरी तरीके से अलग है लेकिन अगर आपको कैलेंडर के हर तरीके के क्वेश्चन कवर करने हैं इफ यू वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक तब आपको तीनों ही पार्ट जरूर देखने चाहिए आप हर तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वो कवर आपके हो जाएंगे तो कैलेंडर के इस पर्टिकुलर पार्ट में हम पढ़ने के आवाज कोई भी कैलेंडर अपने आप को रिपीट जरूर करता है कोई अट्ठाईस साल बाद करता है कोई चालीस साल बाद करता है कोई ग्यारह साल बाद करता है तो कोई छह साल बाद करता है अब ये हर वर्ष में अलग अलग होता है कोई कब करेगा कुछ एकदम डिसाइडेड नहीं रहता है तो हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि 2003 का कैलेंडर अपने आपको कब रिपीट करेगा या कब रिपीट कर चुका है या नाइनटीन का कैलेंडर कब रिपीट किया खुद को इस तरह के क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कैसे किया जाता है सीखिएगा देखिए जैसे कि मान लीजिए हमसे पूछा गया कि नाइनटीन का कैलेंडर खुद को कब रिपीट किया इसको करने का ना दो तरीका है पहले क्या है वो आप बेसिक देखिए देखिए क्या होता है ना जब हम लोग कोई ट्रिक बताते हैं और अगर उस ट्रिक में थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है जो आपको याद करना होता है मेमोराइज करना होता है लर्न बाय हार्ट करना होता है तो आप लोगों को लगता है कि यार ये लंदी जा रहा है ये टफ है तो आपके दिमाग में ना कुछ भी जरा सा याद करने से पहले ये बात ना इसलिए मैं पहले आपको बेसिक दिखा देती हूँ कि कितना जरूरी है याद करना जो मैं बताने वाली हूँ आगे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि साल 2023 का कैलेंडर खुद को कब रिपीट करेगा ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि वर्ष 2023 का कैलेंडर खुद को कब रिपीट करेगा पहली बात कैलेंडर का रिपीट करना होता क्या है अगर 2023 है पहली बात तो अगर 2023 है और मान लीजिए कि थर्ड नवंबर है डेट क्या है थर्ड नवंबर मैं थोड़ा क्लियर लिख दे रही हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए थर्ड नवंबर है और हमारा ईयर क्या है 2023. ठीक है अब थर्ड नवंबर 2023 को अगर हमारा जो डे है वो क्या पड़ रहा हो फ्राइडे पड़ रहा हो ठीक है अगर थर्ड नवंबर 2023 को जो डे पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है फ्राइडे पड़ रहा है तो कब 2023 का कल कैलेंडर रिपीट माना जाएगा तभी ना जब जिस साल थर्ड नवंबर को फ्राइडे ही पड़े इसका मतलब हुआ कैलेंडर रिपीट हो गया लेकिन अगर मान लो साल 2032 का कैलेंडर साल 2032 का कैलेंडर हो जिसमें तीन नवंबर को फ्राइडे पड़े तो क्या इसे रिपीटेशन माना जाएगा दोनों का नवंबर का महीना भले सेम होगा दोनों का अक्टूबर दिसंबर सब कुछ सेम रहेगा लेकिन एक मंथ अलग होगा और वो कौन सा होगा फेब फेब्रुवारी क्यों क्योंकि 2032 एक लीप वर्ष है तो उसकी फरवरी में 29 डेज होंगे जबकि 2023 लीप ईयर नहीं है तो उसकी फरवरी में केवल 28 दिन होंगे सो इट विल बी नॉट कंसीडर्ड एज अ रिपीटेड कैलेंडर रिपिटेशन वो होगा कि सारे महीने 12 के 12 महीने सेम जाएं मतलब कि 2 नवंबर या फिर 3 नवंबर अगर 3 नवंबर को फ्राइडे है तो उसे रिपीट तब माना जाएगा जब 3 नवंबर को फ्राइडे पड़े लेकिन 2023 की तरफ वो भी एक नॉर्मल ईयर हो या फिर अगर लीप ईयर का रिपीटेशन पूछ रहा है तो आने वाला साल भी जो हम देख रहे हैं वो भी लीप ईयर हो तभी रिपीटेड माना जाएगा ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी तो चलो जरा देखते हैं कि तीन ती नवंबर में अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे पड़ेगा कब यानी कि दो का कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा कब चलो शुरू करते हैं पहले बेसिक से देखिए ताकि आपको ट्रिक की इंपॉर्टेंस समझ आए अगर थर्ड नवंबर 2023 को पड़ रहा है फ्राइडे तो थर्ड नवंबर 2024 को क्या पड़ेगा बिकॉज 2024 ट्वेंटी फोर इज अप ईयर तो एक के बाद एक और बढ़ेगा दो दिन बढ़ेंगे एक ही दिन नहीं दो दिन बढ़ेंगे तो फ्राइडे से सैटरडे नहीं आएगा क्या आएगा संडे आएगा तीन नवंबर 2024 को रविवार पड़ेगा तीन नवंबर 2025 को क्योंकि 2025 नॉर्मल ईयर तो नॉर्मली एक साल हर एक दिन हर साल बढ़ता है तो एक दिन बढ़ेगा संडे से मंडे हो जाएगा तीन नवंबर को 2026 का 3 नवंबर नॉर्मल ईयर का रहेगा तो एक दिन बढ़ेगा मंडे से क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा 2027 भी नॉर्मल ईयर है तो एक ही दिन पड़ेगा ट्यूसडे से क्या हो जाएगा वेंसडे हो जाएगा अब क्योंकि 2028 हमारा एक लीप ईयर है तो वेंसडे से वेंसडे से थर्सडे नहीं पड़ेगा दो दिन बढ़ेगा और क्या होगा फ्राइडे आएगा फ्राइडे आ गया तीन नवंबर को फ्राइडे आ गया क्या यार रिपीट हो गया नहीं रिपीट हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि 2028 एक लीप ईयर है दोनों का नवंबर भले सेम है दोनों की फरवरी सेम नहीं होगी मतलब अभी रिपीट कैलेंडर पूरी तरह नहीं हुआ आगे बढ़ना पड़ेगा अब हम बढ़ते हैं 2028 के बाद 2029 के नवंबर में 2029 तीन नवंबर को क्या पड़ेगा क्योंकि 2029 नॉर्मल ईयर है एक दिन बढ़ेगा फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा यहां पे सैटरडे आ जाएगा फिर हम आते हैं 2030 में 2030 हमारा क्या है एक नॉर्मल ईयर है एक ही दिन पड़ेगा शनिवार से क्या आ जाएगा रविवार आ जाएगा 2031 भी नॉर्मल ईयर ही है तो रविवार से क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा फिर आएगा सन 2032 जो कि लीप ईयर है सोमवार से मंगलवार नहीं पड़ेगा सीधे क्या पड़ेगा बुधवार और फिर आएगा दो ठीक है कुछ छूटा नहीं आई होप दो में क्या पड़ेगा एक ही दिन बढ़ेगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है गुरुवार आएगा और फिर आएगा आपका सन दो और दो में जाके एक दिन बढ़ के फिर क्या आएगा फ्राइडे आएगा मतलब फ्राइडे आपका 2023 के बाद कब आया चौतीस में आया कितने साल बाद आया ग्यारह साल बाद आया तो ये तो ग्यारह साल बाद रिपीट हो गया समझ लो जल्दी हो गया कुछ कुछ कैलेंडर तो 28 साल बाद रिपीट होंगे चालीस साल बाद रिपीट होंगे तो क्या आप ये सब करते जाओगे सारा प्रोसेस बिल्कुल नहीं करोगे कोई पागल इंसान भी नहीं करता है ऐसा मुझे पता है लेकिन तब भी मैंने आपको बताया ताकि आप सोचो भी ना ऐसा करने का एक दो अगर सोच रहे हो तो तरीका क्या है मैम थोड़ी तो सी मेहनत करनी पड़ेगी एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए नाउ आपको कोई भी ईयर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो वर्ष का कैलेंडर खुद को कब दोहराएगा या वो वर्ष का कैलेंडर खुद को कितने सालों बाद दोहराएगा आपको दिए गए साल के जो आखिरी के दो अंक है ना उसे करना है चार से डिवाइड जैसे कि आप ये देखिए चार से डिवाइड अगर आप 1993 लिए 1993 का लास्ट टू डिजिट क्या है 93 तो 93 को जब आप चार से डिवाइड करेंगे तो चार का दो गुना क्या आएगा आठ आएगा और फिर चार तिया क्या आ जाएगा बारह आ जाएगा कितना शेषफल यहाँ पे चार से डिवाइड करके शेषफल का, का काम है दे निकालने में जब चार से डिवाइड करते हैं तो शेषफल का नहीं भागफल का काम आता है लेकिन यहाँ रिपीटेशन वाले में जब चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का काम है कितना बचा एक अगर एक बचता है ना तो वो कैलेंडर अपने आप को छह साल बाद दोहराएगा कितने साल बाद छह साल बाद अगर दो बचेगा तो वो अपने आप को ग्यारह साल बाद दोहराएगा तीन बचेगा तो भी ग्यारह साल बाद दोहराएगा तो हमसे दो का अगर पूछा गया होता जैसे कि दो उन्नीस का छह साल बाद दोहराएगा मतलब 1999 का का कैलेंडर आप उठा के देख लीजिए 1993 इज नो डिफरेंस सब कुछ सेम है ऑल द आर सेम इसी तरीके से अगर 2023 का हमसे पूछा गया तो 23 को आप चार से भाग देते तो चार पंचे कितना हो जाता 20 हो जाता बचता कितना तीन बचता तीन का मतलब ग्यारह साल बाद दो में रिपीट हो गया कोई भी साल आपको दिया गया आपको यही करना है इसका स्क्रीन ले लीजिए अच्छा एक चीज देखिए लीप ईयर क्योंकि देखियो चार से डिवाइड करने पे जीरो आ गया रिमाइंडर इसका मतलब वो लीप लीप ईयर ईयर है अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है या 40 साल बाद रिपीट करता है कई बार 28 साल बाद ना वो लीप ईयर नहीं पड़ता है ऐसा भी हुआ है कि आ, 28 साल आप जोड़े लेकिन वो लीप ईयर पड़ा ही नहीं तो आपको क्या करना है तब आपको चालीस साल बाद देखना है चालीस साल बाद वो रिपीट करेगा तो लीप ईयर का क्या सीन है अगर आपका वो वर्ष 28 जोड़िएगा उसमें 28 जोड़ने के बाद लीप ईयर आया तो ठीक नहीं तो चालीस जोड़ दीजिएगा लीप ईयर आ ही जाएगा तो लीप ईयर का कैलेंडर या चालीस साल में बाकी सब अपने आपको एक आया तो छह साल दो आया तो इसे ऐसे याद करना 28 छह ग्यारह ग्यारह ठीक है अट्ठाईस छह ग्यारह ग्यारह इस तरीके से आपको ये चीज याद करनी है चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अब हम देखते हैं जरा क्वेश्चन को 1998 का कैलेंडर खुद को कब रिपीट किया 98 को चार से डिवाइड करिए ठीक है थीके? तो चार का दो गुना आठ फिर बचा आपका एक और फिर आपका चार चौक सोलह कितना बचेगा आपका दो बचेगा याद है ना अट्ठाईस छह ग्यारह ग्यारह पहली बात ये चार से बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या को भाग दोगे जीरो एक दो तीन से ऊपर का तो शेषफल आना नहीं है और उसमें भी आपने याद कर लिया अट्ठाईस छह ग्यारह ग्यारह तो दो पे क्या आ रहा है ग्यारह आ रहा है ना मतलब कि 11 साल बाद 1998 में 11 जोड़ लीजिए 8 और एक 9 9 और एक 10 2009 मतलब 2009 1998 का कैलेंडर सेम है आया है समझ में आया होगा 2012 का कैलेंडर आपको देखना है तो आप 2012 का लास्ट डिजिट है 12 तो भाई चार तारह कुछ बचेगा ही नहीं जीरो बचेगा अब दो के अट्ठाईस साल पहले जोड़ा करिए पहले अट्ठाईस तो आठ दो दस और दो एक तीन और एक चार मतलब कि 2040 हजार चालीस लिपियर आ गया और जब लीप ईयर आ गया हाँ जब लीप ईयर आ गया तो उसके आगे आपको फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर लीप ईयर ना आया होता तब आप 40 साल जोड़ते 28 ना जोड़ते तो 2040 में 2012 का कैलेंडर रिपीट होगा ठीक है तो ये क्योंकि बहुत छोटा सेशन है क्योंकि बहुत इजी सी चीज थी कैलेंडर के और भी जो छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका भी एक वीडियो आएगा आपका अगर कोई टॉपिक है देखिए ये क्लासेस सी जी एल सी एच एस एल उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हैं और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो बैंकिंग की भी वीडियोस आ रहे हैं ठीक है आई एम वर्किंग ऑन दैट बैंकिंग की भी वीडियोस आएंगे और सारे वीडियोस का टारगेट है नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपको पता है कि मैं खुद एग्ज़ाम दी हूँ मैं मतलब बताने की जरूरत नहीं है अगर आप कंटिन्यू सेशन से देखते हैं जुड़े हैं मेरे चैनल से कई सालों से तो आपको पता है कि आपको सारे क्वेश्चन अपडेटेड दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाता है तो बैंक के भी यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एसएससी का भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग को इस परिवार से जोड़िए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करे कमेंट करे और शेयर करिए धन्यवाद